अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बगौर सुनेंगे। कहानी इस तरह है कि एक गांव में, एक बस्ती में बहुत दिनों से जो है बारिश नहीं हो रही थी। किसान परेशान थे, लोग फिक्रमंद थे कि अगर बारिश ना हुई तो फसल ना होगा, फसल ना हुई तो फाकों की नौबत लगा जाएगी। इसीलिए बस्ती के कुछ लोगों ने तय किया कि बाहर जाकर अल्लाह ताला से दुआ की जाए ताकि अल्लाह ताला हमारी मजबूरी दुआ को सुने। लोग बाहर जाने लगे। लोगों के साथ में एक बच्ची थी, एक बुजुर्ग की नज़र उस बच्ची पर पड़ी। उस बच्ची के पास जो है वो छतरी थी। बुजुर्ग ने पूछा कि बेटी बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन आप छतरी क्यों लाई हो? तो उस प्यारी सी बच्ची ने इतना प्यारा जवाब दिया और कहा कि हम लोग जो है वो अल्लाह ताला से बारिश के लिए दुआ मांगने के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ तो सुनेगा ही ना, लिहाजा बारिश भी होगी। ये बात सुनकर उस बुजुर्ग को बहुत अच्छा लगा और उन्हें यकीन हो गया कि अगर कोई दुआ दिल से मांगी जाए तो अल्लाह ताला उसे कभी खारिज नहीं करता। लिहाजा वो तमाम लोग जो है वो वहाँ पर बस्ती में इकट्ठा हुए और बारिश के लिए गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी। जब इंसान के पास अगर कोई सहारा ना हो तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से ज़्यादा उसके पास कोई सहारा नहीं होता। प्यारे बच्चों, आज हम मुनाजात, ये नज़्म मुनाजात उसे कहा जाता है कि हम तो सना के बाद में, खुदा की हम सना के बाद में जो नज़्म कही जाए उसे मुनाजात कहते हैं और उसके अंदर जो है वो गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी जाती है। तो आज हम जो है वो मुनाजात से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे।